Hello guys, hope you're doing good. I'm your host Zen and welcome to our channel Zen Discoveries. तो हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? वो बड़ी न्यू जगह थी बट अब मैं भूल गया. और जगह का नाम भूल गए? तुम्हें पता है जगह का नाम? गाइज हम लोग आज जा रहे हैं मैं और अबीहा लाहौर की मोस्ट हाइट प्लेस जिसका नाम है डीएचए राया. तो हम लोग जा रहे हैं डीएचए राया के. यहाँ से कितना दूर है ये डिफेंस राया? 46 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर है. तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा यहाँ से? एक घंटा लगेगा. तो आप ये देख सकते हैं नाज़रीन के लाहौर में भी जो है ना वो इतनी दूर दूर के रास्ते हैं. ये सिर्फ कराची में नहीं है, लाहौर में भी दूर दूर की जगहें जो हैं वो डेवलप्ड हैं जहाँ यहाँ लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं और देखते हैं. चलिए चलते हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है. हेलो गाइस, तो हम लोग जो है पहुंच गए हैं डिफेंस राया. आप देख सकते हैं ये देखिए, ये कहा जाता है लाहौर का दुबई है. मैंने सोचा आज अपनी फैमिली के साथ जो है यूट्यूब फैमिली के साथ ये भी शेयर करूं. और मेरे साथ जो है वो हमारी न्यू सेंसेशन मिस अबीहा व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल आने वाला है. मिस अबीहा ये हमारे साथ हैं और हम जो है वो आए हुए हैं डिफेंस राया जो है घूमने. और आप लोगों को दिखाएँगे डिफेंस राया में क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं. तो ये यहाँ पे क्या क्या फूड वैरायटीज हैं वो मिलती हैं? यहाँ पे जापानीज फूड भी है, जैसे सकुहान है ये जापानीज है, कैफे बीरट है ये लेबनीज है, बाकी देसी भी है, चाइनीज, हर तरह की वैरायटी, और टर्किश आगे नेसा सुल्तान भी है. तो यहाँ पे काफी वास्ट वैरायटी है मतलब फूड वगैरह की. भाई आप क्या खाना चाहते हो? आपने क्या क्या टेस्ट किया है? मैंने इनका ये कैफे बीरट भी टेस्ट किया हुआ है, निसा सुल्तान भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, बारा बहुत अच्छा है, और पीएफ चैंग वो भी है यहाँ पे, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फेमस है, और ऑलमोस्ट आर्केडियन कैफे है वो भी बहुत अच्छा है, सेकंड कप कॉफ़ी, बाकी ये सब तो. अच्छा, सेकंड कप कॉफी मैंने इस्लामाबाद और लाहौर में बहुत देखा, ये कराची में मुझे इतना नहीं देखा, जबकि कराची में भी है ये. है लेकिन इतना नहीं यहाँ पे. यहाँ पे बहुत ज्यादा. अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे वो ब्रांड्स नहीं देखे जैसे कि कबाब चीज वगैरह, वो वाले ब्रांड यहाँ पर नहीं है. नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ के लोकल नहीं है, वो कराची का ही लोकल है, कबाब वगैरह ना. हाँ, सेठ आबिद, आज हम आपके कहने पर जो है हम आए हुए हैं डिफेंस राया. सेठ आबिद ने हमें एक जगह डिस्कवर करके बताई थी और हमें रिकमेंड किया था कि आप जो है ये डिफेंस राया जो है ज़रूर विज़िट कीजिए. तो हमने जो है यूट्यूब फैमिली के लिए अपनी डिफेंस राया विज़िट किया. और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं ये डिफेंस राया के अंदर जो है, खाने पीने की जगह है, बेसिकली फूड स्ट्रीट है, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. तो सारे जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर डिफेंस राया पर मौजूद हैं. लगता ही नहीं है ना कि आप पाकिस्तान में. हाँ, तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं बाहर के मुल्क में आ गए. तो अच्छा फील करते हैं लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सिटिंग करते हैं, खाते पीते हैं. सही कि आपकी पॉकेट क्या कहती है उस हिसाब से आप चलेंगे. हाँ, नहीं नहीं सही कह रहे हैं. अपनी पॉकेट को आपने ज़रूर देखना है, पॉकेट के हिसाब से आपने यहाँ पर जो है ना वो खाना पीना और शॉपिंग करनी है. क्योंकि डिफेंस राय इतना बड़ा है और इतनी यहाँ पे ब्रांड्स हैं कि अगर आपने पॉकेट का जो है ना ख्याल नहीं रखा तो आप जो है वो कैश लेस हो जाएंगे, मनी लेस हो जाएंगे. तो इसका आपने खुद ही ख्याल रखना है. बाकी स्लो ज़रूर हो जाता है रश टाइम पे, मगर ये है कि चलता है. तो जेन डिस्कवरी की तरफ से आप सब आपको हेलो.
अच्छा ये देखिए नाज़रीन आप, कराची कैंटीन, यहाँ पर कराची के जो है वो खानों को बहुत पसंद किया जाता है, और ये कराची कैंटीन आपको लाहौर में जो है वो बहुत दिख जाएंगी। यहाँ पर भी है डिफेंस राया के अंदर, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बुटीक्स हैं। ये देखिए आप, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो यहाँ डिफेंस राया के अंदर मौजूद हैं। ये इसको कहा जाता है लाहौर का दुबई, मिनी दुबई। शहीर ये कौन सी प्लेस है? वाटरफॉल। वाटरफॉल, और हम ये कहाँ आए हुए हैं अभी? वाटरफॉल वाली जगह। अच्छा गाइज ये है वो बच्चा जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, इसने लोकेशन बहुत अच्छे से गाइड की अपने पापा को, तो ये डिफेंस लाया इसकी वजह से हम आए हैं। वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं ये मेरा जो है बेस्ट फ्रेंड हो गया, हम दोनों का मैच भी होगा एक्सबॉक्स पर। कौन सा गेम में? रेसिंग वाला। यस। और इसका फेवरेट सॉन्ग जो है वो है रेसिंग। हस 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 हस। उमर भाई आपने क्या क्या चीजें ट्राई की हैं यहाँ की? यार बस चाय वगैरह ज्यादा है यहाँ पे, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह जो है। तो चाय यहाँ पर कितनी अच्छी है? चाय तो इन कैफेज वगैरह की बहुत अच्छी है, तो मतलब आप यहाँ का व्यू एंजॉय करो साथ, और ये के चाय वगैरह भी पियो। अच्छा मुझे यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाहौर का ना इतना ज्यादा ठंड है, इतना गर्मी भी जो है वो एंजॉयमेंट वाला मौसम है। फिर ये के जैसे जैसे आप आगे जाओगे हाँ। तो समझ लो ठंड मजीद जो है वो बढ़ती है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, इसे पॉज करके देखिए इनके जो है आइटम्स और उनकी प्राइसेस वगैरह। इसका फ्रंट पे भी हमारे भाई, इसके यार फ्रंट पे तो इनका जो है कराची कैंटीन। अहमद अगर वॉशरूम वगैरह यहाँ पे किसी को आ जाए तो उसका बताना जरा, वॉशरूम कहाँ पे? बेसमेंट मेनी पे। बेसमेंट मेनी पे। लाइसेंस के हवाले से मैं बताना चाह रहा था, हमारे मोहल्ले में दो बच्चे थे जो कि भाग रहे थे, जो अपना वॉलेट भूल गए थे और जो है लाइसेंस बना हुआ था, वॉलेट भूल गए थे, और उनके पास ना कोई मंशियात थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन पुलिस वालों को देख के वो भागे और उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर उनको बचाने उनके पप्पा गए। तो जनाब इस चीज का बहुत ख्याल रखना आपने। हाँ ऐसी कोई हरकत नहीं करे, पुलिस वाले रोकें तो फौरन रुक जाए, वरना बहुत बुरा हाल होता है। वो आपने जो है वो आपने वो ओम शांति ओम में जो शाहरुख खान की वन लाइनर जो डायलॉग था वो क्या था? भागो भागो। तो हर मुश्किलात का हल इनके पास क्या? भागो। प्रैक्टिकल सेंटर से लेकर और जब पुलिस वालों तक भागो। ये है वो बच्ची नाज़रीन जो के चार दफा डिफेंस राया आई हैं, तो ये एक्सपर्ट हैं यहाँ की। अगर आपको जो है वो डिफेंस राया के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल का स्टार्टिंग नेम है अबीहा, फाइनल नेम जो है वो अभी डिसाइड हो रहा है, तो जब डिसाइड हो जाएगा तो जेन डिस्कवरीज पे उसको बता देंगे। चैनल पे सब ने जाना है और इसकी पहला व्लॉग तो बन गया है, रेडी भी हो गया है, एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, बस चैनल बनना है। चैनल बनेगा और वो व्लॉग आ जाएगा इसके चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? अबीहा। अबीहा। और बात का नाम अभी डिसाइड हो रहा है। चले भाई हमने खाना जो है अपना ऑर्डर कर दिया कराची कैंटीन से, और हम लोग जो है अब जा रहे हैं उनके सिटिंग एरिया में, तो हम लोग खाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ कराची कैंटीन का खाना है या कैसा होता है। तुमने खाया है मुनीता? तुमने कराची कैंटीन को पहले टेस्ट नहीं किया? इट्स माय फर्स्ट टाइम एज वेल। सो लेट्स सी, हम आपको बताएंगे प्राइजेस का, मैंने आप लोगों को बता दिया है मेन्यू में, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा, बाकी टेस्ट में मैं आपको बता दूंगा खा कर। हम आपको खा के बता रहे हैं कैसा है। मुनीता बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, फिलिंग भी बहुत हुई है, बहुत अच्छा है। तो प्राइजेस का मैंने आपको बता दिया है मेन्यू में, आप प्राइजेस देख लीजिएगा वहाँ से, और बाकी टेस्ट में अगर कहूँ तो 10 out of कितना है? 10 out of रेटिंग अगर करोगी तो 8.5 10 out of 8.5।
ये देखें, ये भी इंटरनेशनल जो है वो कैफे यहाँ पर मौजूद है। और इनके डेजर्ट जो है वो बहुत स्विंग कैफे है, और इनके डेजर्ट जो है ये बहुत मशहूर हैं। आप देखें तो मिनी दुबई है लाहौर में, लाहौर के अंदर मिनी दुबई, और दुबई के अंदर रूल्स फॉलो करने वाले सख्ती से। बाकी आप ये देखें सेटिंग एरिया देखें इनका, इन्होंने यहाँ पे बॉल्स जो है ना ये यहाँ पे प्लेस की हुई है, सेट की हुई है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। तो जगहें तो काफ़ी इन्होंने अच्छी की हुई हैं, बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना इसको डेकोरेट किया हुआ है। सेटिंग एरिया जो है इसके उनके बहुत अच्छे हैं, और ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी ब्रांड्स हैं वैरायटीज़ में। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ना तो ये देखें चाइनीज़ ब्रांड भी है कोई, उसके अलावा आगे भी ये सारे ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है सऊदी ब्रांड्स भी मैंने देखे, हॉट डॉल्ची है, वहाँ के डेजर्ट्स वगैरह बहुत फेमस है। अच्छा हाँ, वो इसकी फर्स्ट ब्रांच यहीं पे खुली है पाकिस्तान। सही है, ये कराची में नहीं है? नहीं, कराची में नहीं है, अभी फर्स्ट ब्रांच है पाकिस्तान में। तो व्यूवर्स, ये तो हमारा आज का जो है कैफे राया, वो डिफेंस राया का जो है ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा इस तरह की वीडियोस। अगर आप हमारे चैनल में मज़ीद देखना चाहते हैं जो है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।